पीएटी टेस्ट या टी टेस्ट के लिए न्यूमेरिकल एग्जांपल हम करते हैं, जिसमें एग्जांपल्स जो हैं आपके डिपेंडेंट होते हैं। कि फर्ज करें कि एग्जांपल है हमारे पास कि सेल ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सोप बिफोर एंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ प्राइस स्कीम इज गिवन बिलो। टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 5% लेवल, डज द सेल इंक्रीज आफ्टर स्टार्टिंग द प्राइस स्कीम। के प्राइस स्कीम शुरू करने के बाद क्या सेल में कोई इजाफा हुआ या नहीं हुआ, कि ये आपको दो कॉलम में उसने डाटा दिया हुआ है। ये बाकी कॉलम मैंने बनाए हैं जो आगे हमने मुकम्मल करने हैं। कि अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, जैसे उसने कहा है कि आपने चार जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोर या शॉप्स देखी हैं जिनमें उनकी सेल जो है सोप की आपने देखनी है, और वो कहते हैं कि प्राइस स्कीम उन्होंने शुरू की। फर्ज करें कि वो कहते हैं कि सोप जब आप इस्तेमाल करेंगे तो किसी के उसके जो बार है सोप की उसके अंदर उन्होंने गोल्ड बार छोटी सी रखी हुई है, तो लोग इस कोशिश में कि गोल्ड बार उनकी इनको मिल जाए ज्यादा सेल जो है ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे साबुन, और वो जो सोप होगा उसकी सेल जो है इंक्रीज हो जाएगी। अब वो कंपनी वाले देखना चाहते हैं कि ये स्कीम शुरू करने से क्या वाकई सेल इंक्रीज हुई है या नहीं हुई। तो इसके लिए चार मुख्तलिफ स्टोरों का उन्होंने सैंपल लिया है कि जिसमें उन्होंने स्कीम शुरू करने से पहले की सेल दी हुई है बिफोर, और स्कीम के एक हफ्ते या दो हफ्ते के बाद की सेल जो है वो दी हुई है आफ्टर सेल जो है, ये डाटा आपको दिया हुआ है। और आपको पूछा क्या गया है कि टेस्ट एट 5% लेवल डज द सेल इंक्रीज आफ्टर स्टार्टिंग प्राइस स्कीम, कि सेल इंक्रीज हुई है या कि नहीं हुई। अब सेल इंक्रीज से पहले का जो मीन है उसको फर्ज करें आप म्यू वन कह लेते हैं, और बाद वाला मीन जो है इनामी स्कीम के बाद जो सेल होती है उसको आप म्यू टू कह लेते हैं। सेल इंक्रीज होने का मतलब ये होगा कि म्यू टू जो है वो इंक्रीज हो गया, म्यू टू जो है वो इंक्रीज हो गया, और म्यू वन जो पहले वाली सेल थी वो कम थी, और स्कीम के बाद जो है सेल वो ज्यादा हो गई। तो ये वाला हाइपोथेसिस को प्रूव करना मांगता है। तो ये हाइपोथेसिस आपके पास तीन कैटेगरी के होते हैं, ये आपके जहन में होने चाहिए। तो कौन सी कैटेगरी का ये बनेगा, ये बी कैटेगरी वाला हाइपोथेसिस जो है वो बनेगा। जैसे आपको पता है कि पहली अटेम्प्ट हमारी होती है कि फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, तो दूसरे हाइपोथेसिस हमें नहीं चाहिए कि लेस देन वाला हाइपोथेसिस चाहिए जिसमें अल्टरनेट लेस देन में है, तो ये हाइपोथेसिस हम पिक कर लेंगे। इस हाइपोथेसिस में ये आपका नल हाइपोथेसिस होगा जिसमें इक्वालिटी साइन होगा, और ये आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं कि अल्फा बाव का दिया हुआ होता है, बाव का नहीं दिया हुआ होता है। फर्ज करें कि ये 5% दिया हुआ है आपको 0.05। थर्ड स्टेप में आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करना होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है आपका, वो फार्मूला होता है जिसकी वैल्यू आप जिसकी बेस पे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं। ये मैंने बताया था कि डी बार -0 एफ डी ओवर एन अंडर रूट इसका फार्मूला है। तो चौथे स्टेप में आप क्रिटिकल रीजन बनाते हैं। क्रिटिकल रीजन जैसा आपको बताया हुआ कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस को देख के बनाई जाती है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है लेफ्ट देन में है, तो आप लिखेंगे
कि इसमें वन टेल इस्तेमाल होगा और लेस देन वाली टेल जो है लेफ्ट साइड की वो इस्तेमाल होगी टी अल्फा की वैल्यू। तो डिसीजन रूल होगा रिजेक्ट एच नॉट व्हेन टी अल्फा इज लेस देन या टी कैलकुलेटेड इज लेस देन माइनस टी अल्फा। माइनस टी अल्फा से टी कैलकुलेटेड की वैल्यू अगर इधर कहीं आ जाएगी शेडेड एरिया में तो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। टी अल्फा भी हम टेबल में देख सकते हैं, टेबल में देखने के लिए 5% अल्फा वन टेल में आप देखेंगे 0.05, अगर वन टेल टू टेल बना हुआ वैलेंट कोड ने तो 0.05 के नीचे। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी एन माइनस वन के नंबर ऑफ पेयर माइनस वन, यहाँ कितने थे आपके पास 1, 2, 3, 4 वैल्यूज है तो 4 माइनस 1 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगी 1, 2, 3 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने आप 5% में देखेंगे वैल्यू तो ये 2.353 आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी कैलकुलेटेड रिजेक्ट हो जाएगी अगर ये -2.353 से कम आ गई। अब हमने देखना ये है कि टी कैलकुलेटेड कितनी आती है, अगर तो कम आ गई तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, अगर कम ना आई यहाँ कहीं आ गई तो हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो पांचवे स्टेप में आप कंप्यूटेशंस करते हैं, के कंप्यूटेशन में क्या होता है इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है। वैल्यू पुट करने के लिए डी बार ओवर एस डी और एन अंडर रूट पे आपने डिवाइड करना होता है। ये डी बार कैसे निकालते हैं ये भी कंप्यूटेशंस का हिस्सा है, इसको अगर आप देख लें, ये मैंने पहले लिख दिया था ताकि टाइम बचाया जाए कि ये दो कॉलम आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं उन्होंने, आपने एक कॉलम बनाना होता है डी कॉलम। डी कॉलम कैसे बनता है कि अगर इसको आप एक्स कह दें दूसरे को वाई कह दें तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डी बन जाएगा। 10 - 12 - 2 - 15 - 18 माइनस का 3 25 - 22 प्लस का 3 32 - 34 माइनस का 2 आ जाएगा। इन सबको जब आपने ऐड किया इसमें प्लस की एक वैल्यू थी, ये माइनस का 3 है ये प्लस का 3 है, ये आपस में कट जाएंगे माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 आपके पास बच जाएगा। तो माइनस का 4 क्या कहलाएगा, समिशन डी। तो डी का अगर मीन निकालना हो जो यहाँ आपने लिखना है डी बार के लिए तो डी बार होगा समिशन डी ओवर एन। समिशन डी कितना है -4, एन कितना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 ऑब्जर्वेशन है 4 पे डिवाइड कर दिया, डी बार आपके पास आ गया -1। तो यहाँ डी बार की जगह पे आप लिख देंगे -1। नीचे आपने एस डी निकालना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस, उसके लिए फार्मूला आपके पास ये है कि समिशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर होता है जब आप एक्स के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, यहाँ आप डी के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ डी माइनस डी बार का स्केयर करके एन माइनस वन पे डिवाइड कर देंगे। ये डी माइनस डी बार कॉलम एक बना लेंगे, डी बार माइनस वन था तो माइनस टू में से माइनस वन जो है माइनस किया, तो माइनस वन जब माइनस करना है तो ब्रैकेट लगा के करना है क्योंकि ये माइनस बाहर जो है जब ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का वन और माइनस का टू, माइनस का वन आपके पास बच जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है माइनस का टू बच जाएगा, नेक्स्ट माइनस का वन और ये बाहर वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस का 3 है प्लस का 1 है ये 4 हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस माइनस का 1 जो है इसको प्लस कर देगा, माइनस का 2 और प्लस का 1 ये माइनस 1 हो जाएगा। इनके स्केयर ले लें, डी माइनस डी बार का स्केयर 1, 4, 16 and 1 ये 22 आ जाएगा। समिशन डी माइनस डी बार स्केयर फार्मूले में पुट करेंगे, समिशन डी माइनस डी बार का स्केयर ओवर एन माइनस 1
क्योंकि ये भी अनबायस्ड होता है और स्मॉल एस होता है, इसलिए एन माइनस वन पे डिवाइड करते हैं 22 ओवर एन, 4 था, 4 माइनस वन 3 आ गया, तो ये 7.33 अंडर रूट लिया तो 2.71 में आपका एस डी की वैल्यू आ जाएगी। तो एस डी की जगह पे आप 2.71 लिखें एन अंडर रूट। एन क्या होगा, सैंपल का साइज, चार वैल्यूज का सैंपल था, तो एन की जगह पे 4 लिखेंगे, 4 का जब अंडर रूट लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी फिर माइनस वन पे उसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो माइनस 0.741 आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आ जाएगी। टी कैलकुलेटेड की वैल्यू जो है माइनस 0.741 आ गई। तो फिफ्थ स्टेप में आपने कंक्लूजन ड्रा करना है, अब देखना यह कि ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन में आती है तो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर नहीं आती तो एक्सेप्ट हो जाएगा। क्रिटिकल रीजन में कब आएगी, जब ये माइनस के 2.353 से कम आ जाएगी, तो ये कम नहीं है क्योंकि अगर यहाँ जीरो होता है तो ये वैल्यू जो है जीरो को थोड़ा सा इधर यहाँ को करीब करके होगी वन से पहले पहले, लेकिन ये वैल्यू है 2.353 वो यहाँ है, तो ये क्योंकि एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है तो आप हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट एच नॉट, क्योंकि हमने रिजेक्ट कब करना था, जब इससे कम वैल्यू आती, ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से कम नहीं है, माइनस में जो बाहर आपको कम नजर आ रही होती है वो एक्चुअली इससे बड़ी वैल्यू होती है, तो एच नॉट को आप एक्सेप्ट कर लेंगे और अल्टरनेट को रिजेक्ट कर देंगे। और एच नॉट क्या कह रहे हैं कि सेल में इंक्रीज हुई है, और अल्टरनेट कह रहा था कि सेल में इंक्रीज नहीं हुई है, तो सेल में कोई खास इंक्रीज जो है वो नहीं हुई है और सेल तकरीबन बराबर ही रही है, या ये हो सकता है कि पहली सेल ज़्यादा हो बाद वाली सेल कम हुई हो, तो अदानी स्कीम का कोई खास फायदा जो है वो यहाँ नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप जो है ये पेयर टी टेस्ट या टू सैंपल टी टेस्ट को के न्यूमेरिकल एग्जांपल को हल कर सकते हैं। थैंक यू।